सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हो और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो तो ये वीडियो आपको एक बहुत काम आने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना मेरा दावा है। अगर आपने वीडियो देख ली तो फिर आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो उस पर ज़्यादा व्यूज तभी आते हैं जब हमारा थंबनेल अच्छा होता है। अगर हमारा थंबनेल बेकार है या लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो हमारा यूट्यूब पर वीडियो बनाना ना के बराबर है, क्योंकि थंबनेल की ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे लोग हमारी वीडियो देखने के लिए आकर्षित होते हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि थंबनेल होता क्या है। जब भी हम अपना यूट्यूब ओपन करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो आपको देखने को मिलती हैं और हर वीडियो के ऊपर एक फ़ोटो लगा होता है। जो फ़ोटो होता है दोस्तों उसी को हम थंबनेल बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो यूट्यूब पर जाते हैं वो ये सोच कर नहीं आते कि उन्हें किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है। जो भी थंबनेल उन्हें पसंद आ जाता है वो उसी को देखने लग जाते हैं, चाहे वो फिर वीडियो किसी भी टॉपिक पर क्यों ना हो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में अपनी वीडियो के लिए एक अच्छा खासा थंबनेल बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट देकर। तो मैं पूरा तरीका आपको डिटेल में समझाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखना। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो फिर आपको किसी और वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पिक्सल लैब नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेना। तो मैं इसको अपने फ़ोन में ओपन करता हूँ। दोस्तों, जब भी आप कोई अपना थंबनेल बनाओ तो आपको यहाँ से कोई लाइट कलर लेना, लाइट कलर, क्योंकि लाइट कलर पर थंबनेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो कैसे लेते हैं मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर आप जो ऑप्शन देख रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले पर। अब यहाँ पर ऑप्शन है कलर का, आपको यहाँ से कलर लेना है। अब आपको यहाँ पे ऊपर कलर पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे लाइट कलर लेना, कोई भी लाइट कलर ले लो। तो मैं चलिए वाइट ले लेता हूँ। अब ऊपर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से साइज सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो हम यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। अब जैसे कि आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हो उस हिसाब से थंबनेल बनाओ। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे मैं आपको थंबनेल बनाना है कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे आना है और टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है इस पर। अब यहाँ से आपको लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप जब भी कोई थंबनेल बनाओ तो उसमें 2-4 वर्ड लिखो और वो ऐसे वर्ड लिखो जिनसे लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखने से लोग परेशान हो जाते हैं और उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। तो हमें 2-4 वर्ड लिखने हैं जिनको देख कर लोग उस वीडियो को देखने के लिए आकर्षित हो जाएं और उसे बिना देखे ना रह पाएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक पर आपको थंबनेल बनाना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दो, इस तरह बनाएं यूट्यूब थंबनेल, और यहाँ आपको ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों, जो ऊपर नीचे से आ रहा है तो आपको इसे ऐसे आपको सेट कर लेना है। अब नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको ए बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको इस पर कलर पर क्लिक करना है, इस कलर को आप कैसा भी रख लो। तो मैं इसे रेड कर देता हूँ और रेड पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से हमें फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा बेटर होता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब हमें इस पर बैकग्राउंड लगाना है, तो बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कलर हैं, आपको उस हिसाब से लगाना है कि आपका थंबनेल देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से पिंक ये येलो ले लेता हूँ। इससे आपको प्लस पे आना है और टेक्स्ट पे आना है। दोस्तों, मैं आपको जरूरी बात बता दूँ कि जब भी आप कोई थंबनेल बनाओ तो आप उसमें अपना फ़ोटो ज़रूर लगाओ, क्योंकि अपना फ़ोटो लगाने से दोस्तों हमारी वीडियो के ब्राउज फीचर में आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अपना फ़ोटो इसमें ज़रूर लगाएं। तो फ़ोटो कैसे लगाते हैं आपको बताऊँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। अब यहाँ से अपना आप कोई भी फ़ोटो ले लो गैलरी में आके। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे मैंने फ़ोटो पहले खींचा हुआ है ये ले लिया, इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ।
आप देखिए यहाँ से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, बड़ा छोटा। अब देखिए दोस्तों, जी मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिखाया है, जब आप अपनी वीडियो के लिए कोई थंबनेल बनाओ तब आप उसे आराम से बनाना। जैसे सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, तो मैंने जल्दी जल्दी में इस तरह का बना दिया है। अब इतना करने के बाद दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जो सर सीधे डाउनलोड कर देते हैं। आपको क्या करना है, जब आपका इतना थंबनेल बन जाए, आपको फिर थ्री डॉट पर जाना है। अब यहाँ से आपको आना है एक्सपोर्ट इमेज पर। यहाँ आने के बाद दोस्तों, काफ़ी लोग डायरेक्ट सेव कर देते हैं, आपको सेव नहीं करना है, कस्टम पे जाना है। अब यहाँ के आपको अल्ट्रा पे कर देना है। अब आपको सेव करना है दोस्तों। अल्ट्रा पे करने के बाद क्या होता है कि आपका जो थंबनेल है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड होगा, और जब आप उसे अपनी वीडियो पे लगाओगे तो लोगों को वो एकदम क्लियरली दिखेगा। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं तो डायरेक्ट कस्टम पे डाउनलोड कर देते हैं, और जब वो अपनी वीडियो पर उसे लगाते हैं तो वो फटाफटा सा हो जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जब भी आप थंबनेल बना लो तो उसे अल्ट्रा पे करके डाउनलोड करो। और जब कोई थंबनेल लोगों को क्लियरली अच्छा दिखता है तो लोग बिना उसे वीडियो को ओपन करे रह नहीं पाते और उसे देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको थंबनेल बनाना अच्छे से आ चुका होगा। थंबनेल होता क्या है और कैसे बनाते हैं आप अच्छे तरीके समझ चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।